आज से करीबन 500 साल पहले बादशाह अकबर के कानों में एक बात पहुंची कि हिमाचल प्रदेश में एक मंदिर है और वहां पर 9 ज्वालाएं बहुत ही रहस्यमय तरीके से बिना तेल और बाती के अनंत काल से जल रही है। आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इन 9 ज्वालाओं को बुझा सके। बस इन बातों ने बादशाह अकबर के अहंकार को हवा दे दी और वो पहुंच गया हिमाचल प्रदेश के इस मंदिर में उन 9 ज्वालाओं को बुझाने के लिए। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो हुआ उसने अकबर को अंदर से हिला कर रख दिया। दोस्तों, ये घटना बेहद दिलचस्प है, तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में एक बेहद ही रहस्यमय मंदिर है जिसे ज्वाला देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पर माता सती की जीव गिरी थी। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर प्राकृतिक रूप से बिना तेल और बाती के 9 ज्वालाएं जल रही है। कहते हैं कि एक बार एक भक्त अपने हजारों यात्रियों के साथ ज्वाला देवी मंदिर के दर्शन करने जा रहा था। उनका जत्था दिल्ली से गुजर रहा था। दिल्ली में इतने सारे यात्रियों को देखकर बादशाह अकबर घबरा गया। उसने अपने सिपाहियों से कहकर चांदनी चौक दिल्ली में ही उन्हें रोक लिया और उस भक्त को पकड़कर अकबर के दरबार में पेश किया गया। अकबर ने कहा कि तुम इतने सारे लोग मिलकर आखिर जा कहाँ रहे हो? उस भक्त ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया कि हम ज्वालामाई के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ जो भी यात्री है वे भी सभी ज्वाला देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर अकबर ने कहा, अब ये ज्वाला माई कौन है और वहाँ जाने से आखिर क्या मिलेगा? तब उस भक्त ने कहा कि वे संसार की जननी है और जगत का पालन करने वाली है। उस स्थान पर बिना और तेल बाती के ज्वालाएं जलती रहती है। बादशाह अकबर ने कहा, अगर सच में ज्वाला देवी के अंदर कोई शक्ति है तो वो तुम्हारी रक्षा जरूर करेगी। अगर उनके अंदर शक्ति नहीं है तो फिर उनकी बंदगी यानी उनकी पूजा करके तुम्हें क्या मिलेगा? ऐसी बातें कहकर अकबर ने कहा, हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन काट लेते हैं। अगर तुम्हारी देवी में सच में कोई शक्ति है तो वे इस घोड़े को जिंदा कर देगी। अगर ऐसा नहीं होगा तब तुम्हारी देवी के अंदर कोई भी शक्ति नहीं है। ये बात कहकर अकबर ने उसके घोड़े की गर्दन काट ली। इस पर उस भक्त ने कहा कि आप कृपा करके इस घोड़े के धर और शरीर को सलामत रखिएगा। ऐसा कहकर वो भक्त ज्वाला देवी मंदिर में जाकर बैठ गया। स्नान पूजन आदि करने के बाद वो रात भर जागरण किया। प्रातःकाल उस भक्त ने हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना की और कहा, हे माँ, अब मेरी लाज आपके ही हाथों में है। कहते हैं कि अपने भक्त की लाज रखने के लिए माँ ने उस भक्त की घोड़े की गर्दन फिर से उसके धर के साथ जोड़ दी। ये देखकर बादशाह अकबर हक्का बक्का रह गया और ज्वाला देवी माँ की चमत्कारी शक्तियों की परीक्षा लेने वो पहुंच गया हिमाचल प्रदेश में स्थित ज्वाला देवी मंदिर में। वो जैसे ही यहाँ पर आया तो उसने देखा यहाँ पर प्राकृतिक रूप से बिना किसी तेल और बाती के 9 ज्वालाएं जल रही है। सबसे पहले उसने अपने सिपाहियों से इन ज्वालाओं को पानी के जरिए बुझाने के लिए कहा। उसके सिपाही यहाँ पर आए और इन ज्वालाओं को बुझाने की काफी कोशिश की लेकिन वो बुझा नहीं पाए। फिर जाकर अकबर ने यहाँ पर एक नहर खुदवाई। नहर खुदवाने के बाद भी वे इस ज्वाला को नहीं बुझा पाए। तब जाकर उसे ज्वाला देवी मंदिर के चमत्कारी शक्तियों पर यकीन हुआ और उसने 125 सोने का छत्र इस मंदिर को अर्पित किया। लेकिन कहते हैं माँ ने उस छत्र को स्वीकार नहीं किया और वो छत्र मंदिर के ऊपर से नीचे गिरकर किसी अन्य धातु में तब्दील हो गया। इस धातु का ये छत्र आज भी इस मंदिर के प्रांगण में रखा गया है। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ये सोने का छत्र जिस धातु में तब्दील हुआ वो धातु किस चीज़ का है इसके बारे में आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे ज्वाला देवी मंदिर के 9 ज्वालाओं की वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूँ आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।